कोरोना से लड़ने के लिए दवाई लॉन्च हो चुकी है और पतंजलि, निम्स और दोनों के संयुक्त तत्वाधान में ये दवाई लॉन्च की गई है और इसकी जो टेस्टिंग हुई है वो निम्स यूनिवर्सिटी में हुई है। इस समय हमारे साथ जो डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर हैं, जो निम्स के चांसलर हैं, और उनके साथ वो पूरी टीम है जो इस कोरोना की जो दवाई थी, आयुर्वेदिक दवाई थी पतंजलि की, उसका एक तरह से जो क्लिनिकल ट्रायल किया गया है वो है। सर, आपसे हम जानेंगे कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और कैसे आप आचार्य जी से मिले और किस तरह से ये पूरी जो कहानी है आगे बढ़ी। देखिए, आचार्य से मुलाकात मेरी कुछ महीने, साल डेढ़ साल पहले हुई थी। मैं आया था, इनसे मुलाकात हुई थी, हमारे कई विषयों पर चर्चा हुई। फिर इसके बाद जो है, शुरू से मेरे दिल में हमेशा से बात रहती थी कि अपनी आयुर्वेदिक दवाएं हजारों साल से ऋषि मुनियों ने पैदा करी। उस जमाने में हम बहुत अग्रणी थे। एक जमाना आया जबकि हम लोग एलोपैथी डोमिनेट करती है, हमारा कोई एक साइंटिफिक डाटा बहुत बढ़िया उपलब्ध नहीं था, तो हम लोग उनका उपयोग नहीं कर पा रहे थे। और इसके लिए जो है, हमने एक बार बताना चाहूँगा कि 2016 में हमने एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी। उस मीटिंग इसलिए नहीं थी, मैं सोसाइटी का प्रेसिडेंट हूँ, वर्ल्ड सोसाइटी ऑफ पीडियाट्रिक गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हेपेटोलॉजी ट्रांसप्लांट न्यूट्रिशन का, उसकी मैंने मीटिंग करी। 250 कंट्री के लोग आए, 3000 लोग आए। तो उस 5 दिन की कॉन्फ्रेंस में मैंने, मैं चूंकि मैं इस लाइक को, इस चीज़ को चाहता हूँ कि आयुर्वेदिक मेडिसिन आगे बढ़े, देश की मेडिसिन हैं, मैं एलोपैथी डॉक्टर हूँ, फिर भी मैं चाहता हूँ। तो उस 5 दिन की वर्ल्ड मीटिंग के अंदर हमने आधा दिन फर्स्ट डे रखा कि इंटीग्रेशन ऑफ एलोपैथी मेडिसिन टू आयुर्वेदिक मेडिसिन। उसमें हमने 4-5 बीमारियां ली, लिवर डिसीज, पैंक्रियाज डिसीज, 5-7 बीमारी ली, और चेयरपर्सन के रूप में हमने सब बैठाए, अमेरिका के डॉक्टर और इंग्लैंड के डॉक्टर, यहाँ के बड़े बड़े जो आयुर्वेदाचार्य थे उनको बैठाया और दोनों को बोलने दिया। मान लो एक लिवर, एक हेपेटाइटिस है, तो एक तो हमारा डॉक्टर के बारे में ट्रीटमेंट बोला हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर ने, और एक बोला अमेरिका के डॉक्टर ने, तो उसका हमने समाधान किया। तो इस तरीके से हमने पूरी रिपोर्ट बना करके उनको भेजी। तो अभी जो है, इस बीच में हमारे पास मरीज थे कोरोना के, हमें यहाँ से रिक्वेस्ट मिली, हमने उसकी असेस करी, देखा कि मतलब ये लोग ऑलरेडी मौजूद हैं दवाइयाँ, और उसको हमने फिर ज्ञान अध्ययन किया साइंटिफिकली, बिकॉज वी वेर ट्राइंग टू ट्राई इन टू ह्यूमन बींग। इसके पहले ये दवाइयाँ ट्राई हो चुकी थी बिफोर हिम अदर देन लाइक मे बी चूहों में, इसमें ट्राई हो चुकी थी। तो बहुत गहन अध्ययन करने के बाद हमने फिर अपनी एथिकल कमेटी, हमारी यूनिवर्सिटी की थी, उससे अप्रूवल ली, उन्होंने पास किया, उससे बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, उसके बाद CTRI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, उससे परमिशन ली। चूंकि पेंडेमिक था और वर्ल्ड में कोई दवा थी नहीं, तो उसको उन्होंने ट्राई कर लिया गया। तो हमने इसको 100 केसेस में किया जो हमारे माइल्ड केस थे और माइल्ड टू मॉडरेट के बीच में केस थे, क्योंकि हमें एलोपैथिक में फर्स्ट ट्राई हो रहा था इन दवाओं का। तो हमने ये पाया कि मतलब 35% हमें इसका इम्प्रूवमेंट मिला, यानी थर्ड डे हमारे करीब 69% मरीज नेगेटिव हो गए और 7th डे जाकर के 100% नेगेटिव हो गए। ये डबल ब्लाइंड कंट्रोल प्लेसिबो ट्रायल थी, उसका इफेक्टिवनेस मुझे मिला। अभी पायलट प्रोजेक्ट है, उसकी फर्दर हम लोग और ट्राई कर रहे हैं, 3-4 महीने के बाद और इसके रिजल्ट हम सपोर्ट करेंगे। टीम के और भी डॉक्टर हमारे साथ हैं, डॉक्टर देवपुरा जी, हम ये जानना चाहेंगे किस तरह की शुरुआती दिक्कत, क्योंकि आयुर्वेद की और एलोपैथी में इस तरह से क्लिनिकल ट्रायल बड़ा मुश्किल होता है और शायद पहले कभी नहीं हुआ है, तो किस तरह की दिक्कतें सामने आई? नहीं, दिक्कतें तो आई, हम आयुर्वेदिक मेडिसिन के बारे में हमें कोई ज़्यादा पता नहीं है, और उसके लिए हमने आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को हमारे एक मॉनिटर के रंग पर रखा हमारी टीम में, जिसके कारण से कि हमें उसके बारे में पता चलता रहा, कोई साइड इफेक्ट हो तो उसका पता चले। तो हमने एक मॉनिटर रखा आयुर्वेदिक डॉक्टर्स का, तो साथ में कॉम्बिनेशन करके आयुर्वेदिक और एलोपैथिक का मिला के हमने ट्रायल किया। आपसे डॉक्टर अभिषेक हम जानना चाहेंगे कि जिस तरह से शुरुआती दौर में, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि परेशानियाँ आई, और जब मरीजों पर ट्रायल की बात आई तो उसके लिए किस तरह की रणनीति थी? हमने मरीजों को जो है पहले दिन से ही सारा कंसेंट लेके समझा दिया गया था कि भाई आपको जो है इस ट्रायल के अंदर ले रहे हैं, और उसी के अनुसार हमने दवाइयाँ मेडिसिन दी, और ये प्लेसिबो एंड एक्टिव ट्रायल था, ना पेशेंट को पता था ना देने वाले को पता था कि भाई अपन कौन सी दवाई दे रहे हैं और कौन प्लेसिबो में है। उसके बाद हमने थर्ड डे पे RT-PCR किया और हमने डे 7 पे RT-PCR किया। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमने देखा भी कि मरीजों पर ट्रायल करने के बाद आप आश्वस्त थे, किस तरह की जो शुरुआती दौर में वो आए परिणाम, उसके बाद आप किस तरह की रणनीति रही और क्या चीज़? देखिए, परिणाम आ चुके हैं, और चूंकि अभी ये 100 मरीजों पे ही है और पायलट प्रोजेक्ट है हमारा, तो हमने इसको आगे जारी रखा है, और अब उसके बाद फिर हम धीरे धीरे इसमें, ये माइल्ड एंड मॉडरेट के मरीज थे, मॉडरेट से नीचे के मरीज थे बिटवीन, अब हम लोग मॉडरेट पर ट्राई करेंगे, फिर आने वाले समय में जब इसके रिजल्ट अच्छे आ जाएंगे तब सीरियस पर करेंगे, बिकॉज हम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते कि मरीजों की जान चली जाए। सो इट्स ए वेरी ऑब्जर्वेशन, डॉक्टर देवप्रसाद ने बताया, हमारी 17 डॉक्टरों की टीम वहाँ रात दिन काम कर रही थी, नर्सेस कंपाउंडर सब लगे हुए थे, बड़ी उनकी क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है। तो
मैं समझता हूँ अभी तक रिजल्ट 35% बेटरमेंट की तरफ जाते हैं। सर जिस तरह से ये आचार्य जी से आपकी चंद साल कहें हम मुलाकात है और ये एक तरह का इतिहास रचा है, अब आगे आने वाले समय में लग रहा है कि और भी इतिहास रचेंगे? अब तो देखिए मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एलोपैथ आयुर्वेदिक की हमने पहली ट्रायल करी है इंडिया में, तो मैं समझता हूँ कि अब लोग इसको देख करके जो हमारी पुरानी आयुर्वेदा मेडिसिन हैं प्रूव मेडिसिन हैं उनको आगे आएंगे और साइंटिफिक, क्योंकि पहला करने में लोगों को बड़ी झिझक होती है लेकिन हमने साइंटिफिक कर दिया। वो भी कोरोना में, जहाँ की मतलब आदमी कोरोना के नाम से डरता था, पर हम लोगों ने बहुत मेहनत की, बड़ी रिसर्च करी, बड़े अध्ययन किए कि हम गलती नहीं करें, सारी अप्रूवल लेने के बाद हमने किया। तो मैं समझता हूँ एक गेटवे खुल गया कि आने वाले समय में हमारे एलोपैथी के बड़े बड़े अस्पताल डॉक्टर्स अब इनको भी पढ़ के समझ के करेंगे, तो हमारी आयुर्वेदिक मेडिसिन है वो दुनिया में कहीं ना कहीं आज से 2-4-5-10 साल का फिर चमकेगी दोबारा जाने के बाद। बिल्कुल, तो ये थी जो निम्स यूनिवर्सिटी की टीम थी, वो उन डॉक्टरों की टीम थी जिन्होंने की आयुर्वेद की इस दवाई का जो क्लिनिकल ट्रायल था वो निम्स में किया और डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर के नेतृत्व में सफल इसका ट्रायल हुआ है और आने वाले समय में जो ये ट्रायल है, ये जो रास्ता है, वो कई अन्य इतिहास भी लिख सकता है। मेरे कैमरा सहयोगी दिनेश पारी के साथ महावीर नेगी, न्यूज़ इंडिया, हरिद्वार।